जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत थोड़ी सी दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो बड़ी दिलचस्प है कि बॉलीवुड में हमेशा मोनोपोली चलती है, हर फिल्म इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में मोनोपोली चलती है, और किस तरह लॉबी बनाकर एक शख्स का कैरियर खा जाते हैं लोग, किस तरह लॉबी बनाकर एक बढ़ते हुए इंसान को रोक देते हैं और उसकी लेग पुलिंग कर उसे एक खाइयों में फेंक देते हैं और ऐसे खाइयों में फेंक देते हैं कि वो सारी जिंदगी रोता रहता है। ऐसी ही कहानी है नादरा की, बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत के ये जो एकदम रातों रात सुपरस्टार बन गई, लेकिन किसकी नफरत खा गई, किसने अपनी जो अंदर के शैतान को करने के लिए उसके कैरियर को तबाह कर दिया, बड़ी दिलचस्प कहानी। और कमेंट में आपका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर चाहिए। बात है 5 दिसंबर 1932 की, 5 दिसंबर 1932 को इराक के शहर बगदाद में यहूदी खानदान में पैदा होती हैं नादरा, जिनका नाम असल नाम होता है फ्लोरेंस एजिकिल। अगर मैं सही बता रहा हूँ, फ्लोरेंस एजिकिल इसका नाम होता है। 1951 में बड़े एक मशहूर फिल्म साज होते हैं महबूब, जो पहली रंगीन फिल्म बनाने जा रहे होते हैं आन, और आन के लिए इन्होंने दिलीप कुमार को हीरो लिया होता है और उसके साथ नेमी को चुना होता है, और दूसरी जो हीरोइन थी उसको चुनने के लिए नरगस का नाम फाइनलाइज किया जाता है, और नरगस से जब डेट मांगी जाती है तो नरगस बताती हैं कि वो राज कपूर की आवारा फिल्म बनाने में मसरूफ़ है, आप फिल्म को थोड़ा सा लेट कर लें, मैं ये फिल्म ज़रूर करूँगी लेकिन आवारा मुकम्मल होने के बाद। जब ये बात फिल्म सास महबूब साहब को पता चलती है तो महबूब साहब भी राज कपूर नरगस के रिश्ते को जानते होते हैं, उनको मालूम होता है कि जब तक ये फिल्म मुकम्मल नहीं होगी तब तक जो नरगस जी हैं वो मेरी फिल्म नहीं करेंगी, और हो सकता है इस फिल्म उस दिलचस्पी से काम भी ना करें अगर उनको मना भी लिया जाए शूटिंग के लिए, क्योंकि राज कपूर के रिश्ते को वो अच्छी तरह जानते थे। फिर ये बात उन्होंने अपनी मिसिस से की तो नरगिस के मुकाबले में एक ऐसी हीरोइन लाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई कि जो नरगिस का टफ टाइम दे सके, क्योंकि नरगिस ने अनकार किया था और अनकार जो था वो महबूब साहब को और महबूब की मिसिस को पसंद नहीं आया, तो ऐसी हीरोइन की तलाश करनी शुरू कर दी कि जो नरगिस को खा जाए। नादरा उस दिन स्ट्रगल कर रही थी, ये वहाँ से हिंदुस्तान आ चुकी थी और यहाँ पर वो इनकी वालदा के साथ रह रही थी और बड़े तंग हालात थे, बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना मिलता था, 3 वक्त का खाना तो ख्वाब होता था, तो ये अपनी तस्वीरें मुख्तलिफ फिल्म स्टूडियोज़ में और फिल्म प्रोड्यूसरों के दफ्तरों में दे रही थी, फिल्म डायरेक्टरों के दफ्तर में दे रही थी। तो फाइनलाइज़ किया गया नादरा जी का नाम, और जब नादरा जी का नाम फाइनल किया गया तो उनका नाम जो था वो फ्लोरेंस एजिकल था, तो नरगस से मिलता जुलता नाम नादरा रखा गया ताकि नरगस को टफ टाइम दिया जा सके। हालांकि नादरा को ये फ्लोरेंस का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था नादरा जी का, लेकिन नादरा ने कहा कि जी भूख मरने से बेहतर है कि फिल्मों में काम कर लिया जाए, तो फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। नरगस के नादरा की एक पूरी जो इनकी स्ट्रगल के ऊपर है ना, ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहरहाल इनकी जो पहली तनख्वाह इनको मिली वो 1200 महीना था, 3600 रुपये इनको एडवांस मिला, और ये 3600 लेकर इन्होंने जब दफ्तर में बैठी तो उन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया कि इतनी रकम मैं नहीं लेके जा पाऊंगी, तो पर महबूब साहब अपनी गाड़ी में छोड़ के आए, और उस रात ये दोनों माँ बेटी सोई नहीं, इन्होंने पेट भर के खाना खाया और कई दिन तक ये सो ना सके कि रकम हमारी चोरी ना हो जाए। और फिल्म आन रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई, 17 जुबानों में इस फिल्म का थी जो उसकी डबिंग की गई, 17 जुबानों में इसको पेश किया गया। 1952 से 1955 तक तकरीबन 5-6 फिल्मों में नादरा ने काम किया और सारी फिल्में हिट हो गई। नरगस मधुबाला का अल्टरनेट मुतबादल मिल गया था नादरा की शक्ल में, और नरगस और मधुबाला थोड़ा थोड़ा पीछे जाना हो गई थी। फिर वक्त बदला, फिर टर्निंग पॉइंट आया नरगस जी की नादरा जी की जिंदगी में। राज कपूर ने 1956 में एक फिल्म बनाई श्री 420, और इसमें जो नादरा जी थे उनको खलनायिका का किरदार दे दिया गया, और जो खलनायिका का किरदार जब नादरा जी ने परफॉर्म्स किया तो उसके ऊपर सारी जिंदगी आखिरी जिंदगी तक पछताती रही, क्योंकि इसके बाद वो उस किरदार में नज़र नहीं आ सकी जो आन के किरदार में ये नज़र आई या जो बाकी फिल्मों में ये नज़र आई। श्री 420 में इनका एक किरदार तो बड़ा पसंद किया गया लेकिन उसके बाद ये कभी खड़ी नहीं हो सकी, और कहा यह गया कि राज कपूर साहब ने जानबूझकर नरगस का एक रास्ता साफ करने के लिए नादरा को ये करैक्टर दिया था। फिर उन्होंने शादी की नक्शाद गीत गार से शादी की, लेकिन वो जरा थोड़े से याश किस्म के आदमी थे, ना बन सका। फिर मोतीलाल जी से की, फिर इनके एक फिल्म आई दिल अपना प्रीत पराई, फिर 70 की दहाई में इनकी फिल्में काफ़ी हिट हुई, सफ़र, पकीज़ा, कितने जख्म, अमर अकबर, N3, एक नज़र, तकरीबन 100 फिल्मों से ज़्यादा उन्होंने
काम किया और जोश इनकी आखिरी फिल्म थी। लेकिन जब ये श्री 420 1956 में आ गई तो फिर उसके बाद नादरा वो नादरा ना रही जो आन की ये नादरा थी, नादरा वो नादरा ना रही कि जो एक इनकी खलनायिका से पहले वो एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा थी कि जो पर्दे पे छा जाती थी। और यही कुछ बाद में जो अक्स किया गया, तजिया किया गया और जिन्होंने अंदर की खबर निकाली और जो भी बयान किया जाता है तमाम इस पिक्चर को देख के कि श्री 420 बनाई इसलिए गई थी के नादरा के जो बढ़ती हुई एक स्टारडम है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया जाए। उनको जानबूझ के खलनायिका के रूप में पेश किया गया, जब खलनायिका के रूप में पेश किया गया तो उनकी वो जो हीरोइन वाली छपी थी वो ख़त्म हो गई और नरगस जी का रास्ता साफ करने के लिए राज कपूर और नरगस ने मिलकर श्री 420 की एक, क्योंकि श्री 420 में जो नादरा थी वो खलनायिका थी, उनके मुकाबले में नरगस थी, तो कहा यह जाता है कि नादरा की बढ़ती जो एक पब्लिसिटी थी, एक स्टारडम था, उससे खौफ होकर उनको श्री 420 में खलनायिका का करदार दिए गए और उसके बाद नादरा को वो स्टारडम ना मिला जो आखिरी दम तक वो पछताती रही है कि काश खलनायिका ना करती, खलनायिका का रोल ना करती श्री 420 में तो वो एक बड़ी सुपरस्टार बन जाती जिनको बड़ी फिल्में और बड़ी फिल्में ऑफर होती हैं और बड़ी सुपर डुपर फिट फिल्में दे सकती। आपका क्या ख्याल है, क्या इसमें कोई हकीकत है या ये कोई आपको फर्जी बात लगती है कि ऐसा नहीं कि राज कपूर नरगस जिसके में जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन नादरा जी के जो डेस्टिनी थी वो उनको इस मुकाम पे ले। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूँ। इजाजत।